नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जब से बिहार सरकार ने पुलिस को एक नया हथियार दे दिया कि पुलिस को जिस पर भी शक होगा, पुलिस बगैर न्यायालय के सम्मन के ही घर में घुसकर सर्च कर सकती है, सरकार के इस नए नियम ने तो पुलिस के हाथ जरूर मजबूत कर दिए, लेकिन पुलिस अब इसी नए कानून के अंतर्गत किस तरीके से पुलिसिया जुर्म कर रही है, किस तरीके से लोगों के सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कर रही है, इन तमाम चीजों को आज मैं आपको पुख्ता सबूत के साथ दिखाने वाला हूं कि जरा देखेंगे आप कि कैसे पुलिस दरवाजे पर अटैक कर रही है। महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, कह रही हैं कि हमारे घरों में कोई पुरुष नहीं है, आप सुबह आ जाइए, सुबह आप घर की तलाशी ले लीजिए। लेकिन बिहार सरकार की पुलिस ने एक नहीं सुना और तोड़ दिया दरवाजा और घुस गई घरों के अंदर, और मची है जो कोहराम, हम दिखाएंगे आपको आज सरेआम। ये मामला भागलपुर के रजौर थाना के हाजीपुर गांव की है, जो बताया जा रहा है कि पिछले 28 या 29 तारीख को ये घटना 12 बजे रात के आसपास की घटी हुई है, जब पुलिस एक आरोपी के घर पहुंचकर उसे पकड़ने की तलाशी अभियान शुरू करने वाली थी। जरा बताइए कि अगर महिलाओं के द्वारा यह निवेदन किया जा रहा है कि हमारे घरों में पुरुष नहीं है, तो ऐसे में पुलिस को क्या कुछ करना चाहिए था, ये सोचने वाली बात है। गंभीर मसला है, क्योंकि ऐसे कोई एक आरोपी की बात नहीं होगी, हजारों सैकड़ों लोग इस तरीके से पुलिसिया जुर्म के हो रहे हैं शिकार। बताया जा रहा है कि सजौर थाना की महाश्वेता रानी अपनी टीम के साथ छापेमारी में संतोष राय के घर पहुंची हाजीपुर, जहां उनकी तलाशी के लिए उनके घरों पर दस्तक दिया, तो महिलाओं ने अनुरोध किया कि अभी हमारे घर में सिर्फ महिलाएं हैं, आप सुबह आइए और सुबह जो भी तलाशी लेनी है ले लीजिए। लेकिन पुलिस को इस पर कोई भरोसा नहीं था, और भरोसा की तो बात छोड़ दीजिए, इतनी भद्दी भद्दी गालियां से नवाजा गया एक महिला अधिकारी के द्वारा, महाश्वेता रानी के द्वारा, जिन पर कई संगीन आरोप ग्रामीणों के द्वारा भी लगाए गए थे कि वो बालू माफिया से जुड़ करके कमीशनखोरी का काम करती हैं और कमीशन के दम पर बालू माफियाओं को फायदे पहुंचाने का भी काम करती हैं। हम आपको तस्वीर में सरेआम दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस गेट के दरवाजे को भी तोड़ रही है और महिलाओं के साथ अभद्रता कर रही है, और कैसे घर की महिलाएं डरी शहमी सी चीखती और चिल्लाती हुई नजर आ रही। सुनिए, डीआईजी के पास जाके केस करेंगे। सब सोया रहेगा, सबको परेशान कीजिएगा, घर में रहेगा तब ना, दिन में काटते हैं, दिन में बालू। हम उस पीड़िता का भी बयान सुनवाएंगे, जब पीड़िता का बयान आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए कि कैसे पुलिस दरवाजे को तोड़ रही है, और ये सुनिए महिलाओं के चीखने की आवाज। अब मैं आपको सुनवा रहा हूं पीड़िता का वो बयान, जिसमें पीड़िता ने कहा कि आपके इस तरीके के सर्चिंग अभियान से हम बहुत आहत हुए हैं और इसकी शिकायत हम डीआईजी के सामने करेंगे। क्या हुआ था घटना? घटना यही हुआ था कि पहले जो माइनिंग का केस था ना, तो केस तो था, मैं सब दोनों आदमी नहीं था घर में, वही केस में दोनों भाई को आया पकड़ने के लिए। हम सब अंदर से बोले कि घर में कौन है, बोला कि हम सब पंकज बोल रहे हैं, तो हम सब देख लिए उन सबको, तो बोले कि सुबह में आइएगा, अभी गेट नहीं खोल सकते हैं, कोई जेंट्स मेरे घर में नहीं है। उसमें बोला वो गेट खोलो, बोले कि नहीं खोलेंगे, बस गेट में तोड़ने उड़ने लगा। फिर हम बोले कि घर में कोई नहीं है, मेरा भगना भी बोलने लगा, और जैसे बोले कि बोल रहे हैं भोसड़ी गेट खोलने के लिए, ऐसा गाली देने लगा कि हम सब आप सबको बता नहीं सकते हैं। गेट नहीं खोले, दो ड्राइवर जो था प्राइवेट
अंदर घुसकर और किवाड़ खोल दिया और सब वैसे ही ढूंढ पर करने लगा, गोदरेज खोलने लगा या कहते हैं पलंग का बॉक्स खोलने लगा। पलंग के अंदर मेरा पैसा भी था, वो भी मैडम ले ली, मैडम ले ली। अब हम जब बोले कि आप सब ऐसा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब सुबह हम डीआईजी के पास जाएंगे सब बोलने के लिए, तो पहले ही हम सबको फंसा दिया। अच्छा, उससे पहले आपका केस में नाम नहीं था? नहीं, मेरा नाम नहीं था। इस सब मेरा सास को, गोतनी को, क्या कहते हैं भगना को, सबको ही सब फंसा दिया है 29 तारीख की डेट में। कौन है थाना प्रभारी, क्या नाम है? महाश्वेता सिन्हा है। महाश्वेता सिन्हा कौन से थाना में है? सजौर थाना में, भागलपुर। भागलपुर के। अच्छा, तो मतलब मुख्य बात एसआई जो संजय पासवान है, वो जब पार होता है मेरे घर के पास से तो बोलता है क्या हाल है, ठीक है ना। तो हम उस दिन बोले हैं कि अपना काम करने के लिए जाइए, अब क्यों हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, वही पूछ लिए क्या हाल है आपको। तो आपको आपको लगता है कि कुछ सामान गायब भी हुआ है घर से? हाँ हाँ, मेन मेरा जेवर भी था, वो भी पलंग के नीचे रखे थे गद्दा के तर में, और 50,000 रुपया था, वही हम केस को फाइल करने के लिए रखे थे। सब मेरा मैडम ले लिए। हम जब बोले कहा मेरा यही काम है घर घुसकर, उसने कहा कि मेरा यही काम, यही काम है। जब हम बोले कि नोटिस हमको दिखा दीजिए, मेरे घर में आदमी नहीं है, बिना नोटिस को जो घर तोड़ रहे हैं, हमको नोटिस दिखाइए, तो बोला एक आदमी बोला, उसमें जो सिपाही था, हमसे क्यों नोटिस मांग रहे हैं, मैडम के पास जाइए। तो मैडम बोले हम कहाँ है मैडम, बताए दिखाइए। तो मैडम नोटिस को नाम जैसे लिए, सब बाहर निकल कर जाने लगा, सब निकल गए। हाँ, तब नोटिस खोज लिए, तब जाने लगा। आप बताए थे कि घर में नहीं है? हाँ, हम बोल रहे हैं, मेरे पास वीडियो भी बना है। जब हम एकदम अत हो गए तब हम वीडियो भी बनाने लगे, बस बोल रहे हैं कि घर में नहीं है, सुबह आइएगा, नहीं तो बाहर में रहिए, सुबह होने दीजिए, गेट खोल देंगे। 12 बज रहा था रात, हम बोले गेट नहीं खोलेंगे। ऐसा बहुत सारा आदमी आता है गेट खुलवाने के लिए, आप कौन है, नहीं हम आपको नहीं पहचान रहे हैं। तो बोला हम सजौर थाना के, हम बोले हम नहीं खोलेंगे, बाहर में बैठिए, सुबह जैसे होगा तैसे हम गेट खोल देंगे। आपके साथ अभद्र बातें भी की? हाँ, बहुत ऐसा अभद्र बात है, आपको बता नहीं सकते हैं, बोल रहे हैं। किसके द्वारा किया जा रहा था अभद्र बातें? पुलिस से या महाश्वेता स्वयं बोल रही थी? श्वेता से नाम भी बोल रही थी, और वही एसआई था संजय पासवान, और सिपाही सब था, सब बोल रहा था, सब। हाँ, गाली गलौज। हाँ, गाली गलौज बोल रहा था। हम जब बोले कि जितना आपको मन है कर लीजिए, सुबह होने दीजिए, हम डीआईजी के पास जाएंगे तो अपने इंसाफ मिल जाएगा। उस सुबह होते होते हमको 10 से 11 बजे लगभग में संजय पासवान भी आया घर पे। आपने इस चीज का कंप्लेन कहीं दिखाए? नहीं, हम कहाँ दिखाए थे, कहीं नहीं दिखाए थे, कुछ नहीं। नहीं, हम तो सोचे रहे थे, ये पहले ही कर दिया। आपको लगता है कि ये जान बूझ करके हमको जान बूझ कर फंसाया? हम जैसे आपको डीआईजी को नाम लिए, सुबह आपको जो करना है करिए, हम सुबह डीआईजी के पास जाएंगे और सब बात आपको बताएंगे कि काहे बिना नोटिस को घर घुसा, तो पहले ही हम सबको फंसा दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रियंका देवी। पति का नाम? राजेश कुमार राय। घर? घर मेरा हाजीपुरवा। जिला? जिला भागलपुर। थाना? साकुंड सजौर। साकुंड सजौर। और जैसे ही महिलाओं ने ये बात पुलिस अधिकारी से कहा, पुलिस अधिकारी यहां से इसके घर से थाने पहुंच करके तुरंत इन महिलाओं का भी नाम उसी एफआईआर में दर्ज कर दिया जो एफआईआर एक बालू माफिया के लिए किया गया था। तो सवाल है कि बिहार सरकार के इस सुशासन की सिस्टम, क्या अब महिलाएं भी बालू माफिया हो गई या हो रही हैं पुलिसिया जुर्म का शिकार? ये बिहार है, यहाँ शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जो तस्वीरें पुलिस के द्वारा दिख रही है, जो सामने आ रही है, जो आमजनों की परेशानियों को दिखाया जा रहा है, हम लोग बार बार आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की कारगुजारियाँ किस तरीके से बिहार प्रदेश के आम जनता को त्रस्त कर रखा है। आज सोचने वाली बात है कि क्या यह बिहार है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, या ये भी हो गए किम जोंग।